नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप इंडस्ट्री के उन लोगों में से एक है जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी ही बेबाकी से अपने दिल की बात कहते हैं। यही वजह है जो बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों अनुराग कश्यप और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इस बीच अनुराग कश्यप मुश्किलों में फंस गए। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगा दिए। इस बात का खुलासा पायल घोष ने सोशल मीडिया पर किया। अनुराग कश्यप के बारे में बात करते हुए पायल घोष लिखती हैं, अनुराग कश्यप मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर चुके हैं। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। नरेंद्र मोदी जी, कृपया अनुराग कश्यप के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। देश को भी पता चलना चाहिए कि एक क्रिएटिव दिमाग के पीछे एक राक्षस छिपा है। मुझे पता है कि अनुराग कश्यप मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है। मेरी जान खतरे में है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जैसे ही पायल घोष का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर सामने आया, वैसे ही उनके सपोर्ट में लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। कंगना रनौत से लेकर महिला आयोग तक हर कोई अनुराग कश्यप की आलोचना कर रहा है, जिसके बाद अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई है। खुद कंगना रनौत ने सरकार से अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की गुजारिश की है। पायल घोष के साथ हुए गलत व्यवहार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर लिखा, हर आवाज की अहमियत होनी चाहिए, अनुराग कश्यप को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कंगना रनौत के ट्वीट के तुरंत बाद महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी पायल घोष की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। कल रात को मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें पायल घोष ने अलेज किया था कि 2015 में अनुराग कश्यप ने उनको सेक्सुअली हैरेस किया। ये एक चौंकाने वाली बात है और हाँ, मैंने उनको ट्वीट बैक किया था कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो आप डिटेल कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, हम पुलिस को भी लिखेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं। अब जब तक जांच होगी और जब तक ये कोर्ट में केस पहुंचेगा, तब तक मैं पायल घोष को कहना चाहूंगी कि राष्ट्र महिला आयोग उनके साथ खड़ा है।